सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी। अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के इस एपिसोड में मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि किस प्रकार से रही हमारे शहर में गतिविधियां। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2019 की, और सबसे पहले नजर डालते हैं 140 विधानसभा क्षेत्र पे, जहां पे मतदाताओं के साथ साथ उम्मीदवारों ने भी मतदान करके अपने मतदान का उपयोग किया। आइए डालते हैं इस पे एक नजर। मैं जोर जोर 70% मतदान केंद्र आम्ही विजिट दिलेली आहे। कमी प्रमाणातच लोकांची संख्या मतदान केंद्रावर दिसते, त्यामुळे मी सर्वांना आवाहन करू इच्छितो आमच्या सर्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना की बाबा आपले सर्वजण मतदान बाहेर काढून मतदान करून घ्या, हीच सांगू इच्छितो। आता आलेल्या माहितीअनुसार 19-20% मतदान झालं आहे। आपल्या माध्यमातून मी आवाहन करतो की जास्तीत जास्त मतदान करा। मतदान हा संवैधानिक अधिकार आहे। जर आपल्याला कोणत्याही बदल घडवायचा असेल, कोणत्याही उमेदवार निवडायचा असेल, तर आपल्याला मतदान करा, हे मी तुम्हाला आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो। तो आइए अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र 141 यानी कि 141 की। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो भाजपा और एनसीपी के उम्मीदवारों के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। किस प्रकार से मतदान हुआ है, किस प्रकार से जनता ने मतदान किया, आइए डालते हैं एक नजर। मतदान हा सर्वांचा अधिकार आहे आणि या अधिकाराचा वापर सर्वांनी करावा। मी मतदार बंधू आणि भगिनींना विनंती करतो की आपण हा आपला अधिकार, मतदानाचा अधिकार, हा अधिकाराचा वापर करावा, मतदान करावा। आज हमने अपने मतदान का मत का प्रयोग किया है और काफ़ी लोग अभी निकल रहे हैं और काफ़ी लोग लोगों में मतदान करने के लिए बड़ी खुशी है। और मैं समझता हूँ कि अपना मतदान का अपना हक समझकर सभी लोगों ने अपना फर्ज और कर्तव्य निभाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा तो निश्चित अपना एक लोक प्रतिनिधि चुन सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार तुम्हारा आमदार आपको चुनने का मौका मिलेगा। हमने अपना मत का मतदान दिया। हमारे शहर का
मतदान काफ़ी अच्छा चल रहा है और ख़ास करके हमारा 8 नंबर का पैनल में मतदान जो हो रहा है वो काफ़ी उत्साह से हो रहा है। मतदान ये एक उत्सव है और हम सब पार्टियां मिलके इस उत्सव को मना रहे हैं और जितने भी सरकारी खाते हैं और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है ये आपस में कोई भी द्वेष वैर भावना न रखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से उल्लासनगर 141 विधानसभा का मतदान पार पाड़ने में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र 142 यानी कि 142 की कल्याण पूर्व की। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो भाजपा के उम्मीदवार के साथ अपक्ष उम्मीदवार धनंजय बोडारे की काफी टक्कर देखने को मिली थी और किस प्रकार से यहाँ पे मतदान हुए हैं और मतदान करने के बाद हमने मुलाकात की धनंजय बोडारे से, क्या उनका कहना आइए सुनते हैं। बरेच ठिकाणी तक्रारी होते की लाइट नाही याद्वारे निवडणूक आयुक्तांना विनंती करतो की अगोदरच आपण जरा चांगली तयारी केली तर लोकांना फायदा होईल, जास्तीत जास्त मतदान व्हावं अशी अपेक्षा असते, पण ह्या मतदान करताना जे काय अडचणी आहेत त्या टाळाव्यात। मी आता मतदान करून आलो आहे, लोकांचा प्रचंड उत्साह आहे आणि यामधून एक चांगलं द्योतक आहे। जी लाट आम्ही सांगत होतो की परिवर्तनाची लाट खरोखर ती आहे, ती आता दिसते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। पूरे महाराष्ट्र भर के विधानसभा चुनाव में कई जगहों पर मतदाताओं ने इस प्रकार से मतदान किया जो कि इतिहास बन गया, लेकिन कई जगहों पर मतदाताओं ने अपनी नाराजगी भी जताई जिसके वजह से कई जगहों पर कई उम्मीदवारों की नींदें उड़ गई है। तो अब देखना यह है कि आने वाली 24 तारीख को किस प्रकार से नतीजे सामने आते हैं। जिन जगहों पर मतदान कम हुए हैं वहां पर कहीं ना कहीं जनता ने अपनी नाराजगी जताई है। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। विधानसभा चुनाव 2019 यानी कि मतदान का दिन 21 अक्टूबर और जिस प्रकार से आज मतदान पूरे शहर भर में हो रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र भर में हो रहे हैं, उसी तरीके से यदि उल्लासनगर की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र जो है कि उल्लासनगर में आते हैं, 140, 141 और 142, यदि इन सभी जगहों पर मतदान के आंकड़ों पर अगर नज़र करेंगे कि किस प्रकार से मतदान हुए हैं, कितने मतदान प्रतिशत में हुए हैं, तो सुबह से यदि बात करेंगे तो लगभग 1 बजे तक जो था मतदान का जो प्रतिशत वो काफी कम था, जिससे ये उम्मीदवारों में जो कि खलबली मची हुई थी कि कहीं ना कहीं मतदान कम होने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां बढ़ सकती है। तो इस समय जो है अब जो है शाम के 5 बजने के लिए आए हैं और यदि बात करेंगे तो 3:30 और 4 बजे के बाद जो है मतदान भारी संख्या में जो है होने लगे, क्योंकि पहले जो है मतदान नहीं हो रहे थे लेकिन 3:30 बजे के बाद जो है मतदान की जो संख्या है वो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब हम रिपोर्ट ये आपको दे रहे हैं तो इस समय में 5:30 का समय जो कि हो रहा है, तो इस समय जो मतदान की जो प्रतिशत है वो है 32% जो है मतदान अब तक हुए हैं, यानी कि अब जो है शेष सिर्फ 1 घंटे रह चुके हैं मतदान में और काफ़ी कम मतदान हुआ है अगर बात करेंगे तो पिछले विधानसभा से, क्योंकि पिछले विधानसभा की यदि बात करेंगे तो पिछले विधानसभा में लगभग 45% जो कि मतदान हुआ था और इस बार मतदान की यदि बात करें तो काफ़ी कम प्रतिशत मतदान देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम इस पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में जो कि दिक्कतें थी, शहर में जो कि समस्याएं थी, जो कि अपने जो कि जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से उसे हल नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम रहा, कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही, तो कहीं ना कहीं मतदाता भी जो नाराज नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मतदान होना चाहिए था, जो कि उम्मीदें थी, जो कि अपेक्षा थी कि इस प्रकार से मतदान होगा, वो मतदान जो है नज़र नहीं आया। 32% जो है मतदान पूरे उल्लासनगर क्षेत्र में हुए हैं, तो ऐसे में यदि बात करेंगे तो काफ़ी कम मतदान देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखना ये कि आने वाले और जो 1 घंटे बचेंगे उसमें कितना प्रतिशत मतदान होता है, लेकिन जिस प्रकार से अगर कम यदि मतदान होगा तो ये बेशक गौर करने वाली बात होगी कि जितने भी उम्मीदवार जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उन्हें आज रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कम प्रतिशत मतदान यानी कि जनता जो है पूरी तरीके से जाग चुकी है और जो काम नहीं हुए शहर में उसके लिए जो है एक विरोध भी आप कह सकते हैं कि जनता जो है बाहर मतदान करने के लिए नहीं आई है। बहरहाल अब देखना यह है कि आज जो मतदान मतदाताओं ने कर दिया, अपने अधिकार का जो है उपयोग कर दिया, लेकिन आने वाली 24 तारीख को जो कि परिणाम आने हैं विधानसभा चुनाव के, तो वो किस प्रकार से आते हैं और शहर में राजनीति जो कि फेरबदल है वो किस तरीके से बदलाव में आता है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। पैनल नंबर 12 के नगर सेवक टॉनी सिरवानी और समाज सेवकों ने मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। सभी मतदाताओं का दिल से आभार, जिन्होंने तहे दिल से आज वोटिंग की है। मेरे
हिसाब से तो ये उल्लासनगर में रिकॉर्ड वोटिंग होगी, मोर देन 60% जो हमारे प्रभाग पैनल में हुई है, जसलोक स्कूल साईं बाबा CHM में, इसमें मोर देन 60% वोटिंग हुई है जो एक हिस्ट्री है। थैंक यू। मैं अपने पैनल के सारे मतदाताओं का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने यहां पर आके मतदान किया मेरे पैनल में, और हमको उम्मीद है कि उन्होंने अच्छा ही सोच समझ के मतदान किया होगा, उसके लिए मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं उल्लासनगर वासियों को 141 उल्लासनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के वोटरों को हार्दिक शुभेच्छा और हार्दिक बधाई देता हूँ कि इन्होंने हमारा इतना सहकार देके, हमको इतना कोऑपरेशन करके, हमको इतनी भारी मात्रा में वोटिंग करके किया है। आने वाली 24 तारीख को इसकी रिजल्ट आनी बाकी है, लेकिन मुझे निश्चित नहीं पूरा भरोसा है कि आने वाली 24 तारीख को हम 10,000 प्लस से विजय होते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राधेश्याम सुंदर मंदिर में जरूरतमंदों के लिए राशन की सेवा का आयोजन किया गया था, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। यहाँ हम सब लोग राधेश्याम सुंदर मंदिर में हम सब लोग सेवा के लिए उपस्थित हैं। उस सेवा में जिन्हों भी सहयोग किया है उन सहयोग का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस राधेश्याम सुंदर में आज के दौर पे करीबन 700 से 750 लोगों को राशन दिया गया है, और हम सेवादारी सब लोग मिलके जगदीश वाधवा के साथ जितने भी हमारे सेवादारी ग्रुप हैं हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं और राधा कृष्ण हमारे साथ है, जिसमें हम गरीबों को अन्नदान किया जा गया है। इसमें आगे 20-25 लोगों को, सूरदास लोगों को भी हमने अन्नदान किया है। इसमें हम सबको का सहयोग है। इसमें लेडीज़ का जो सेवा है वो उन्होंने पैकिंग किया है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो राधेश्याम सुंदर मंदिर में आके दिन रात सेवा की है। इन सबका शुक्रिया अदा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और श्री मधुसूदन बापू जी की आशीर्वाद से और हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिवाली के शुभ मौके पर गरीबों को अन्नदान का ये कार्य कर रहे हैं। जैसे दिवाली के दिन कोई भी भूखा न रहे, सभी को अनाज मिले और सभी पेट भर खाना खाएं, इसलिए ये कार्य हो रहा है। राधे कृष्ण। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भाजपा के नगर सेवक राजेश वदरिया का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर उनके ऑफिस के बाहर गुंडागर्दी की, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कराई। इस मामले में क्या है कहना प्रदीप रामचंदानी का, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि अब जो है चुनाव के निर्णायक विजय की स्थिति में हम पहुंच गए हैं, और ऐसी स्थिति में बौखलाहट जो है विरोधी दलों में दिख रही है। कल हमने देखा कि शाम को आचार संहिता समाप्त होते होते 5 बजे निवर्तमान विधायिका इतने निचले स्तर के शब्द बोल रही थी एक सम्माननीय नगर सेवक राजेश वधरिया के लिए, जो कुछ दिनों तक उनके ही साथ था। जब उन्होंने देखा कि उनकी नीतियां सही नहीं है, सही दिशा में नहीं चल रही है, तो उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कल विधायिका जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि राजेश वधरिया एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और हर एक तरह से भ्रष्टाचार करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब वो उनके साथ रहते हैं तो गंगा में नहाए हुए रहते हैं और हमारे पास आने के बाद भ्रष्टाचारी कैसे हो गए हैं। उनके विचारों का दिवालियापन आ गया है। और फिर उसके बाद रात में कुछ 25-30 गुंडे राजेश वधरिया जी के ऑफिस में आए, और एक गुंडागर्दी करना और उसको दबाने का प्रयास किया गया, जिसकी CCTV कैमरा फुटेज उपलब्ध हैं। यह पुलिस को जानकारी दे दी गई है। जितने भी असामाजिक तत्व जो भी होगा उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए, हर एक मतदाता को अपना मतदान देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
इस तरह से डरा धमका कर जिस तरह से इस उल्लास नगर की प्रतिमा को मलिन किया है इन लोगों ने, अब इनसे निश्चित रूप से हमें छुटकारा मिलने वाला है। सर, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन यह तय है कि 25-30 गुंडे बदमाश वहां आए थे और उसका मकसद था राजेश वधरिया जी को डराना, धमकाना और उनका मनोबल कमज़ोर करना। सीसीटीवी में फुटेज में वो सारे लोग आए हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, पुलिस ने राजेश वधरिया जी को बुलाया था उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में, उनसे उनका बयान लिया है और जो भी है कार्रवाई पुलिस उसके ऊपर कर रही है। देखिए, कुल मिलाकर हमारे जितने भी सम्माननीय नगर सेवक है उनको सभी ने चोर कहा है, फिर वो जमनू पुरस्वानी हो, कुमार आइलानी हो, महेश सुखरामानी हो, प्रकाश माखीजा हो, राजेश टेकचंदानी हो, राजू जग्यासी हो, सारे लोगों को उसने चोर करार दिया है। और बड़ी बात तो ये है कि महेश सुखरामानी के ऊपर तो उन्होंने व्यक्तिगत उनके व्यवसाय का आरोप लगाया कि वह वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करता है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कालानी परिवार से, कि उल्लासनगर में सबसे पहले, हम तो काफ़ी छोटे थे, वेश्यावृत्ति की जो ईगल होटल खुली थी वह नींव ही आपने डाली थी। उस वक्त मुझे याद है राम तेरी गंगा मैली का कोई एक वहाँ पे नृत्य होता था जिससे काफ़ी धमाल हुई थी लोगों में, और जो जवान पीढ़ी थी तब की, तब पता पड़ा था कि उल्लासनगर में, और आज भी जो सीमा होटल चलता है उसमें मुझे नहीं लगता है कि मंदिर की घंटियां बजती हैं, यहाँ आरतियां होती हैं। आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो और खुद क्या करते हो ये देखना चाहिए आपको। रही बात इन सारे बातों का कहना नहीं चाहिए, जनता पूरी तरह से देख रही है। जो भाषा का प्रयोग निचले स्तर का इस बार निवर्तमान विधायिका ने किया है, ऐसा लोकतंत्र में ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना उचित नहीं है। लोकतंत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप 5 वर्ष विधायिका थी, आपने 5 वर्ष में शहर के लिए क्या काम किए और उस काम के आधार पर आपको वोट मांगने चाहिए। अब क्योंकि आपने काम का तो किया नहीं, अब आप केवल भावनाओं के आधार पर वोट लेंगे। कभी बोल रहे हैं कि मुझे, मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के जाएगी, मेरे को पुलिस परेशान कर रही है। ये भावनाओं के मुद्दे पर कई वर्षों तक इन्होंने राजनीति की है। अब लोग समझ गए हैं, अब केवल मोदी के रूप में, देवेंद्र फडणवीस के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में शहर में विकास की गंगा बहनी चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। इस दिवाली में सिंधी फिल्म वेलकम लक्ष्मी का प्रीमियर शो का आयोजन उल्लासनगर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में किया जाएगा। आइए डालते हैं इस फिल्म के प्रोमो पे एक नजर। सुपरहिट सिंधी फिल्मों जो निर्माण कंदर वी टीवी प्रोडक्शन जी 7वीं फीचर फिल्म वेलकम लक्ष्मी विश्व सिंधी सेवा संगम जीवदया संस्थान ओम योगा केंद्र जे पारा फर्स्ट प्रोमोशनल प्रीमियर शो आर्तवार 27 अक्टूबर शाम जो 6 बजे शहीद जनरल अरुण कुमार वैद्य सभागृह टाउन हॉल उल्लासनगर। अचो त हिन ॾियारीअ ते कुझु नओं कयो।
फिल्म के जरिए साक्षात माता लक्ष्मी जो दर्शन कयो। याद रखो आर्तवार 27 अक्टूबर फर्स्ट प्रोमोशनल प्रीमियर शो वेलकम लक्ष्मी सपोर्टेड बाय ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड फ्रेंड्स ग्रुप ट्यूशंस उल्हासनगर। इन फिल्म के प्रीमियर शो के पासिस के लिए तुम संपर्क कर सको था दीपक वाटवानी डायरेक्टर वी टीवी 9822448808 श्री लखी कारी माखीजा प्रेसिडेंट विश्व सिंधी सेवा संगम उल्हासनगर 9422328275 श्री दयाल खेमानी फाउंडर एंड इंस्ट्रक्टर ओम योगा केंद्र 9326004006 श्री जगदीश तेजवानी प्रेसिडेंट उल्हासनगर व्यापारी एसोसिएशन 9011610000 तो याद रखंदा वेलकम लक्ष्मी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अब आप मंच टीवी देख सकते हैं चैनल नंबर 888 888 इस चैनल नंबर पर आप मंच टीवी देख सकते हैं और मंच टीवी के सारे कार्यक्रम यहां तक कि कोणार्क न्यूज भी आप 888 चैनल पर देख सकते हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आप मंच टीवी के सभी प्रोग्राम्स और कोणार्क न्यूज की सभी खबरों को यूट्यूब में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको मंच टीवी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।